होने जा रहा है धमाल। आज आ रहे हैं मंच पर रोहित और राज। सो ये गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर ब्लॉग। गाइस आज का जो ब्लॉग है ना, मैं बिल्कुल वही ब्लॉग के स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैंने आपने ये पहले वाला ब्लॉग देखा है हमारा, उसी की जैसा ये ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम को। क्योंकि गाइस अभी मैं प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ, इतने महीनों बाद प्रैक्टिस किया भाई। आप हमारी आदत देखना चाहोगे, मेरी आदत देखना चाहोगे, ये चेक करो जरा, ये चेक करो जरा, ये देखो भाई हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है हमारी। आज अभी अभी हमारे पास एक अंकल जी का कॉल आया, उन्होंने हमसे बोला, मेरे से बोला कि भाई सुबह कल शो पर चलना है, एक प्रोग्राम हो रहा है, आप डांस करना है। तो मैंने बोला मैं कैसे जाऊं, पर लेकिन क्या करें, हमने भी एक्सेप्ट कर लिया उनका चैलेंज। मतलब एक तरह से उन्होंने चैलेंज दिया था हमको, ठीक है भैया कर लिया। अभी क्या, एक मेरा फ्रेंड हो रहा है राज पाठक, तो हम दोनों ने एक डांस प्रिपेयर किया है। तो कल हम जाएंगे शो पर, कल वहाँ पर कुछ करना है, मतलब डांस वगैरह जो भी है। अब देखते हैं क्या सीन रहेगा कल का। तो अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ और कल मिलते हैं आपसे। ओके एवरीवन, बाय, गुड नाइट। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी अभी सुबह सुबह हमें ना प्रैक्टिस ही कर रहा था, मतलब हम प्रैक्टिस ही कर रहे थे, हम दोनों दो हैं हम लोग। अब वो राज पाठक कौन है बताता हूँ आपको, ये रहे हमारे भाई साहब। हेलो गाइस, सर गुड मॉर्निंग, राम राम। आज फाड़ना है शोपुर में जाकर फाड़ना है अपन को। सो गाइस ये है राज भैया हमारे। तो अभी है ना, ये हम दोनों करेंगे डांस आज शोपुर में जो भी प्रोग्राम होगा, तो वहाँ पे देखते हैं कैसा कैसा सेटअप बनता है अपना डांस करने का। बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं गाइस, कल दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, और अभी भी सुबह सुबह आ गया ये। तो फिर अभी कर लिए प्रैक्टिस, अभी निकलने वाले हैं एक दो घंटे में यहाँ से। इसका ये साउंड सिस्टम है यहाँ पर, देखो बस ऐसे ही सॉन्ग इसमें बजा के। अभी नहाते हैं धोते हैं फिर निकलते हैं गाइस शोपुर के लिए, और फिर ब्लॉग भी शूट करते हैं हमें साथ ही साथ। और थोड़ा नर्वसनेस भी हो रही है कि वहाँ पता नहीं क्या होगा, कैसा क्या डांस होगा, क्योंकि एक दिन में डांस कवर किया है हम दोनों ने। तो अभी देखते हैं चल के क्या होता है। सो फिलहाल नहा धो लेते हैं और रेडी होते हैं फिर। चलो गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ भाई, बहुत नर्वसनेस फील हो रही है, मैं क्या ही होता हूँ वहाँ पर जाकर क्या होने वाला है। तो फिलहाल अभी चलने वाले हैं हम 10-15 मिनट से, तो सबके चरण स्पर्श कर लिए जाएँ। बचा ही रहे हैं, आ रहे वाले हैं। फुल आशीर्वाद खतरनाक वाला फर्स्ट। सो गाइस अगेन रेडी हुआ मैं। मैंने क्या कुर्ता चेंज किया, क्योंकि उसमें गर्मी लग रही थी भयंकर। इधर राज आ चुका है अपना ब्रदर। राज भाई रेडी हो फिर शोपुर के लिए? ये राहुल जा रहा है कैमरामैन अपना। इसको भी डांस कराता मैं, पर लेकिन क्या है ना, इसके लिए सिस्टम नहीं है अभी। तो अभी क्या, अभी चलते हैं गाइस, कार आ रही है तो फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी गाइस हमारी बस का इंतजार हो रहा है, बस स्टैंड में बैठे हैं हम लोग। राज भाई बस स्टैंड वाली फीलिंग, बस स्टैंड वाली फीलिंग। अभी हमारी बस ही नहीं आ रही यार। गाइस ये आ चुकी है अपनी कार, इसको लेकर यहाँ से। ओके तो गाइस बैठ चुके हैं कार में और अभी हम निकल रहे हैं शोपुर के लिए। अभी चलते हैं, मजा का पता नहीं क्या सीन होने वाले हैं राज भाई, तो दिखाते हैं आपको। फ्यूल स्टेशन पे खड़े हैं गाइस। मैं क्या बताऊँ, मेरे पता नहीं क्यों हार्ट बीट बहुत तेज हो रही है। एक दिन की प्रैक्टिस है, पता नहीं क्या होगा वहाँ जाके। अरे क्या हुआ गाइस, मुझे लगा क्या ना कि नॉर्मली ऐसे प्रोग्राम पर, लेकिन वहाँ पर डांस कंपटीशन है, तो पता नहीं बहुत सारे लोग भी आ सकते हैं, तो उनसे मुकाबला करने का टाइम आने वाला है बस राज भाई साहब अपना। तो अभी चलते हैं गाइस और फिर देखते हैं वहाँ के क्या सीन्स होते हैं। लो गाइस तो हम आ चुके हैं भाई कॉलेज में, और ये तो वही कॉलेज है, एक बार हमारी दीदी के इसमें एग्ज़ाम हुए थे। अभी पता नहीं क्यों यार मेरा गला सूख रहा है, राज कुछ कर भाई। सो गाइस वहाँ होने वाला है अपना प्रोग्राम जो भी होगा, अरे भाई होगा भाई। अभी चलते हैं गाइस और सिस्टम हैंग करते हैं। राज क्या होगा यार आज। सो गाइस अभी हम यहाँ पर फिल कर रहे हैं अपना फॉर्म भरा जा रहा है भाई साहब यहाँ पर। सो गाइस हो चुका है अपना फॉर्म फिल। अभी इधर ये देखो यहाँ पर कुछ इधर सेटअप है ऐसा, यहाँ पर अपना नृत्य होने वाला है गाइस। कॉलेज के पीछे ये शानदार चीज़ मिल गई हमको, थोड़ी वर्कआउट करने के लिए एक्सरसाइज कर लेते हैं इतनी भरी धूप में। इतनी मत टूट रही है मेरी भैंस की टांग, वर्कआउट पे ध्यान दे रहे हैं हम। आराम से गाइस हमको भेजा चेंज रूम में, चेंज रूम चेक कर जा रहे हैं। शोपुर के कॉलेज में ना ये पूरा ये सेटअप प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पर गाइस, चेक करो जरा भाई। स्टैंड के लिए इतनी शानदार जगह है ये,
अभी चेक करते हैं गाइज और चलते हैं फिर इधर चेंज करते हैं कपड़े वगैरह। चलो गाइज चेंज कर लिए अपने अपने कपड़े वगैरह, ठीक है। और भाई इसमें बहुत भयंकर गर्मी है, ये पूरा पैक है, ऊपर से धूप भयंकर। और चलो चलते हैं भाई इस बार। चलो भाई इस प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है हमारा, तो अभी माइक टेस्टिंग चल रहा है। जैसा कि आप इस बैनर पर देख रहे हैं, इंडिया एट द रेट 2047 वह पंच प्रण मंत्र पर केंद्रित जिला स्तरीय युवा उत्सव 2023 यहां पर आयोजित होने जा रहा है। और इस कार्यक्रम का विधि पूर्वक आगाज शुभारंभ श्री गणेश स्वामी विवेकानंद जी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर पूजन वंदन अभिनंदन करके यहां पर हमारे अतिथियों द्वारा किया जाएगा। आज का यह कार्यक्रम बहुत जानदार शानदार होने जा रहा है। कई युवा साथी इस कार्यक्रम में भागीदारी करके अपनी प्रतिभाओं को आगे लाना चाहते हैं और आगे ला भी रहे हैं युवा संगठनों से जुड़कर। तो कई प्रतियोगिता, युवा कविता लेखन प्रस्तुति, यंग आर्टिस्ट चित्रकला प्रतियोगिता, मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा चुका है। और अंत में बचा है मजेदार शानदार शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें आज हम हमारे युवा साथियों के डांस देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे और सामूहिक नृत्य देखेंगे। आप बने रहिए, जमे रहिए, थमे रहिए। कुछ क्षणों पश्चात आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ श्री गणेश इसका होने जा रहा है हमारे अतिथियों द्वारा परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करके पूजन वंदन अभिनंदन करके आज के इस कार्यक्रम का आगाज शुभारंभ श्री गणेश किया जाएगा। कुछ क्षणों पश्चात एक अलग ही प्रेरणा दी, अलग जीने का अंदाज सिखाया। लिख देना मेरे लहू से कब्र पर मेरी हिंदुस्तान, लिख देना। उनका मूल सिद्धांत था ये हमें बताने आए। क्या बात है भाई, क्या बात। अब होने जा रहा है धमाल आज, अब होने जा रहा है धमाल आज। आ रहे हैं मंच पर रोहित और राज लेकर अपनी शानदार जानदार प्रस्तुति। तलवारों पे सलवार दिए, आगे पीछे जीत हार ये जीवन के अंग हैं, लगे रहते हैं इनसे निराश और जीत से अति उत्साहित भी नहीं होना चाहिए, अपने प्रयास में निरंतर लगे रहना चाहिए। तो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का परिणाम हम घोषित करेंगे। चूंकि यह कार्यक्रम लोक संस्कृति पर आधारित था और हमारे भाइयों ने दूसरे प्रकार के नृत्य में इतनी सुंदर कला दिखाई कि हमारे निर्णायक भी संशय में पड़ गए इसको क्या किया जाए, पर इसकी थीम के अनुरूप ही निर्णय लेना हमारा कर्तव्य था और वही लिया गया। जो कार्यक्रम था उसका निर्णय लिया गया। तो राज और रोहित को विशेष रूप से यहाँ पर अतिथि सम्मान करेंगे। आपने अच्छा किया था, सभी ने कहा था, इसलिए आपको भी सम्मान करने का कर्तव्य है। शानदार शानदार तालियां बजाइए।
सो गाइज हमारा प्रोग्राम हो चुका है यहाँ पर, लेकिन कोई ना गाइज यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम का कुछ ऐसा सिस्टम था तो, लेकिन हमने क्या है पूरा किया, अच्छा किया, पर लेकिन क्या है ना ठीक है जितना हो गया, और प्राइज़ भी वितरण किए इन्होंने जो आपने देख ही ली होंगी। सो ठीक है गाइज अभी क्या कर सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि इंडिया में टैलेंट की कदर तो है नहीं भाई। अभी उनके जितने सारे जज वगैरह थे ना वो बोले थे कि ये तो ना यहाँ पे इन लोगों को तो बुलाया नहीं, तो हमारे कॉलेज का पूरा प्रोग्राम था, तो ऐसा कुछ है नहीं कॉलेज का, नहीं मतलब जो भी हो यार, पर लेकिन क्या है ठीक है अब क्या करें। सो अभी निकलेंगे गाइस यहाँ पर, अभी ना पूरा सिस्टम इधर चल रहा है, अभी और भी जो भी प्राइस वगैरह उनको कर रहे हैं दे रहे हैं सब लोगों को, फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई गाइस सबके लिए यहाँ पर भोजन मिला है, यहाँ पर इन पैकेटों में शुरू हो जाओ सर यार। सो गाइस ऑल ओवर, अभी देखो बारिश जैसा मौसम भी होने लगे, बारिश भी आने लगी और सब कुछ इधर ओवर हो चुका है। चलो गाइस अब चलते हैं यहाँ से। आज श्योपुर में खेल एवं युवक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें रोहित कुशवाहा और राज पाठक ने अपनी शानदार जानदार प्रस्तुति देकर सबको सोचने पर मजबूर कर दिया और भरपूर इनको प्यार मिला, भरपूर तालियां मिली, और वहां पर जो मंत्रीगण और अतिथिगण आए थे उन्होंने इनको सम्मानित भी किया। इनके उज्जवल भविष्य को लेकर मेरी ओर से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लाइक सब्सक्राइब भी बोल दो। इनके जो चैनल है उनको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोत्साहन करें, हमारे कराल के बच्चे आगे बढ़े। धन्यवाद।